ये नेपाल का समस्या है। आप अमेरिका जाता है क्या बोलता है, गौतम बुद्ध इंडिया का है। नेपाल आते हैं गौतम बुद्ध लुम्बिनी का है। फिर भारत जाते हैं इंडिया जाता है ये भारत का है। ठाव ठाव आपने परिवर्तन किया ना, एक जीवरे होने से क्या दई जीवरे कुरा करते हैं क्या, तीन जीवरे होना चाहिए ना आपका। तेरा बाजे तीन नहीं है, एक है। मित्रों नेता हूं, कभी झूठ बोलना पड़ता है कभी सच बोलना पड़ता है। जहां जुन बात कहने से ताली पड़केगा वही बात करता है। आज भी मैं आपके सामने कहता हूं, आज के बाद किसी भारतीय ने बुद्ध का जन्म भारत में बोलेगा तो उसको कह देना बुद्ध का नहीं, आपके नरेंद्र मोदी का जन्म नेपाल के कास्की के लेखनाथ गांव में हुआ था। उसको कह देना हमारे राप्ती में सेती में माछा मारने वाला नरेंद्र बहादुर मांझी का नाम ही नरेंद्र मोदी। फिर अब हमें तपाईको स्वच्छ ये बोलिए ना, ये नाकाबंदी कब खत्म होगा? मित्रों इनका हिंदी सुनकर मैं बेहोश हो रहा है। आयोजकों कहना एक एम्बुलेंस रेडी करना है। इन्होंने कहा हमने नेपाल के साथ नाकाबंदी किया है। मित्रों हमने नाकाबंदी नहीं किया है, हमने ग्यास रोका है, मधेश में ग्यास नहीं रोका है। हमने औषधि रोका है, चटपटी बेचने के लिए आलू नहीं रोका है। हमने पेट्रोल रोका है लेकिन केरा नहीं रोका है। यानी के केरा ले गाड़ी चलता है क्या? मित्रों हमारे हिंदुस्तान में केरा ले गाड़ी मात्र ही नहीं मानसे भी चलता है। केरा खाओ बोकरा सड़क में फाल दो, गाड़ी नहीं आदमी भी चिपलेगा गाड़ी चलता है। दर्शक मान बाबर अब हम मोदी जी संग दोरी खेलते हैं। सेतो कपाल सेतो दारी, सेतो कपाल सेतो दारी सेतै तिम्रो लुगा, सेतो कपाल सेतो दारी सेतै तिम्रो लुगा। मन भने कति कालो रहेछ होला यो बुढा। मित्रों इन्होंने मेरा सफेद कपाल को देखकर कहा बूढ़ा। मित्रों कपाल सफेद होने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जिसका कपाल सफेद होता है उसका मन बहुत काला होता है। चांदनी से चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होता है सितारों से नहीं, प्यार एक से होता है हजारों से नहीं। मित्रों हजार से प्यार करने पे लिए थोपड़ा भी तो अच्छा होना चाहिए। इन्होंने कहा चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन ध्यान देना मेरे टोपी वाले ऋषि धमाले, चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होगा, प्रेम एक से होगी तो हजारों का क्या होता है। अब एउटा नेपाली निगमा हामी टुक्का हान्ते हैं आपको, बिना कारण नाकाबंदी ल्याइदिया छौ, बिना कारण नाकाबंदी ल्याइदिया छौ, यो फादर को हामीले वाट खाइदिया छौ। ये कहाँ का अंग्रेजी है, इनका अंग्रेजी सुनकर तो अमेरिका ने भी आत्महत्या कर सकता है। इन्होंने पूछा बिना कारण नाकाबंदी लाई दिया छो, योर फादर को वाटाम ले खाई दा। इनको जवाब मैं देता हूं, डंड गो दियर कम नियर नियर योर को आई छो आई को तो हुई जरा सिमसिमे वाटर मा पॉलिटिक्स भन्या चल्दछ पटर पटरमा।
अब फेरि अर्को प्रसंग हामी जोड्न चाहन्छौँ र केही राजनैतिक पक्षका प्रश्नहरू हामी गर्न चाहन्छौँ। मधेस आन्दोलनमा आफ्का घुसपेट थिए, ए सच हे तेरा बाजे ठीक है मित्रों। मधेस के बारे में मैंने बहुत बार कहा, मधेस में हमारा घुसपेट नहीं है। इसका जवाब मैं एक हिंदी गाना से देता है, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी तुम्हारा नेता बुलाए तो मैं क्या कर सकता। मधेसी नेता से क्या का बात हुआ? आपके राजेंद्र महतो आए थे, राजेंद्र महतो क्वां क्वां रो रहे थे। उन्होंने कहा मधेस में सारा पहाड़े बाउन को हाकिम बना के भेज दिया। मैंने पूछा मधेस में कौन बाउन को हाकिम बनाया? उन्होंने कहा अधिकारी बाहुन। मैंने पूछा कौन अधिकारी? राजेंद्र महतो ने कहा जिला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी। तो मैंने कहा तो जिला शिक्षा गुप्ता भेज देते हैं। आपले हमारा प्रधानमंत्री को भी बुलाया, त्या खुशु खुशु गोपे गोपे बात क्या का हुआ? ओली जी बहुत गुस्से में थे तो मैंने उनको फकाया, ओली जी अब हिंदुस्तान और नेपाल एक बनाएंगे, ठीक होगा? ओली जी ने कहा हिंदुस्तान और नेपाल एक तो होगा लेकिन उस देश का नाम नेपाल हो सकता है। तो फिर उन्हों को कहा, ओली जी रिश्ले बाहर जाने लगे, मैंने उनको एक गाना से फकाया, मेरो जीवन बाट जाने भय जाओ लेकिन अंतिम पलट भेटना आओ। ओली ने कहा आगे आगे ओली को घोड़ा, पीछे पीछे मोदी जी लखर लखर होता है। दर्शक मान बाबर यहाँ ले ठक ठक टेलीविजन मार्फत यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। अब मोदी जी सँग हामी छोटो गेम खेल्न चाहन्छौ, चट्ट प्रश्न झट्ट जवाब गेमको नाम छ। पक्कै मलाई आशा छ उहाँले मिठो जवाफ दिनुहुनेछ। तपाईँलाई को मनपर्छ, तपाईँलाई को मनपर्छ, नयाँ शक्ति कि करिश्मा कि पुरानो शक्ति कि रेखा थापा? मित्रों रेखा को मैंने नहीं देखा, करिश्मा का करिश्मा देखना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है ये पत्रकार मेरी तपश्चर्या भंग करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं मोदी लड़की के बारे में ऐसा खराब नहीं है, क्योंकि मेरा तो मंत्र है मन पर आने वाला हजार होते हैं, जुनी काटने योटे होते हैं, जती रुला ले धरधरी रुला ले, आपनो स्वास्थ्य आप नहीं होते हैं।